सबसे पहले गुजरात चलेंगे, जहां पहले चरण की वोटिंग के बाद एक चर्चा बहुत तेज है। कयासों के बाजार गर्म है, कम मतदान को लेकर जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कम वोटिंग हुई है तो बीजेपी की सीट भी कम होगी, कोई बोलता है कि लोग बीजेपी की जीत मानकर चल रहे हैं इसीलिए बदलाव के लिए वोट देने बाहर नहीं आए, कोई क्या बोलता है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है, हमें तो आपको आज सवालों के समुन्दर के किनारे खड़े गुजरात में पहले चरण की कम वोटिंग का जमीनी गणित समझाना, जिसे देखने के बाद आप भी कोई क्या कहता है उसे सुनने की जगह अपनी तरफ से गुजरात की राजनीति समझा पाएंगे। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बाद सबने कर दिया अपनी अपनी सरकार बनने का दावा। बड़ा चूंटनी में गई काले जे मतदान थे कच्छ काठियावाड़ ने दक्षिण गुजरात एमा कांग्रेसे नक्की कर दीधु छे कि भारतीय जनता पार्टी जीती जैसे। गुजरात में बहुमत आएगा हमारे सरकार में। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे पहले वो लोगों को घरों से निकाल निकाल के वोट डलवाते थे, कल उन्होंने नहीं सा काम नहीं किया, कल उन्होंने घरों से निकाले नहीं लोग, इसलिए वोटिंग में कमी भाजपा को नुकसान है। और कल की जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0-1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। दूसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान से पहले फर्स्ट फेज की 89 सीटों पर हुई वोटिंग के आधार पर क्या ये दावे सच्चे हो सकते हैं? सवाल के पीछे की वजह समझिए। चर्चा की पहली वजह ये, पहले चरण में गुजरात में 63.14% वोटिंग हुई, 2017 में इन्हीं 89 सीटों पर पहले चरण में 66.75% मतदान हुआ, यानी पिछली बार के मुकाबले मतदान 3.61% घट गया। दूसरी वजह चर्चा की ये, 10 साल की सबसे कम वोटिंग पहले चरण में गुजरात में हुई। चर्चा की तीसरी वजह ये कि 2012 के पहले चरण में मतदान 2007 के मुकाबले बढ़ा था तो बीजेपी की सीट भी बढ़ गई थी, 2017 में पहले चरण में मतदान घटा था तो बीजेपी की सीट घट गई थी। इस आधार पर विपक्षियों के मन में लड्डू फूट रहा है, विरोधी दावा करते हैं 2022 के पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत गिरा है तो बीजेपी की सीट भी घट सकती है। अब जरा यहाँ पर दो दावे सुनिए। हम एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ पुनः गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं, कल का मतदान इसी बात का संकेत है। पहले राउंड वोटिंग के लिए गुजरात की जनता का मैं विशेष आभार और अभिनंदन करती हूँ। गांधी खानदान धूमिल सा था गुजरात की इस धरा से और कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इस चुनाव का ही बहिष्कार किया है पूर्णतः, और इसीलिए कल जब आपके जितने भी मीडिया के मित्र हैं वो जिस भी पोलिंग बूथ पर गए आपको हर गुजराती के मुख से भाजपा के अलावा और कोई राजनीतिक दल का नाम सुनाई नहीं दिया। 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और मेरे ख्याल में दो तरीके हैं, एक तो हम मानते हैं कि अगर बम्पर वोटिंग हो तो सरकार के खिलाफ होता है, आमतौर पर माना जाता है कम वोटिंग हो तो सरकार के हक में माना जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता थे पहले वो लोगों को घरों से निकाल निकाल के वोट डलवाते थे, कल उन्होंने नहीं सा काम नहीं किया, कल उन्होंने घरों से निकाले नहीं लोग, इसलिए वोटिंग में कमी भाजपा को नुकसान है। और कल की जो हमारी प्रेडिक्शन है उसमें कांग्रेस 0-1 है और आम आदमी पार्टी कल वाला फेज जीत चुकी है। अब आपको ये समझना जरूरी है, क्या कांग्रेस के साइलेंट रहने से गुजरात में समीकरण बदल सकते हैं? क्या वोटिंग पहले चरण में भले घटी हो लेकिन बीजेपी का वोट नहीं घटेगा? क्या वोटिंग घटने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी अंदर खाने कोई खेल कर सकती है? क्या गुजरात के चुनाव में न पक्ष के लिए बड़ी लहर है न विपक्ष के लिए बड़ा उत्साह?